क्रिकेट से जुड़ी एक बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा के पिता की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वेस्टइंडीज दौरे पर जाने की तैयारी के बीच धनंजय डिसिल्वा को पिता की हत्या की खबर मिली, जिससे उन्होंने वेस्टइंडीज दौरे से अपना नाम वापस ले लिया। वहीं पिता को गोली मारे जाने की खबर मिलते ही डिसिल्वा तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां उनके पिता को भर्ती कराया गया था। हालांकि डिसिल्वा जब अस्पताल पहुंचे तो उनके पिता रंजन डिसिल्वा की मौत हो चुकी थी। धनंजय डिसिल्वा की प्रतिबंधन टीम ने उनकी ओर से जारी संदेश में कहा, मैं आप सबको ये बताते हुए हैरान और दुखी हूँ कि पिछली रात गुरुवार को मेरे पिता की हत्या हो गई। यह सब एक बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज और एक अहम वेस्टइंडीज दौरे से पहले हुआ। वहीं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी धनंजय डिसिल्वा के पिता की मौत पर दुख जताया है। श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष थिलंगा सुमाथीपाला ने अपने संदेश में कहा, इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका क्रिकेट धनंजय डिसिल्वा का हर तरह से समर्थन का प्रयास करेगा। आशा है वह इस सदमे से उभर जाएं। श्रीलंका को वेस्टइंडीज दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मैच 6 जून को होगा।